हम सब लोगों के लिए ये हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस अवसर पर सुबह रोड शो भी होगा। पिछले दिनों उड़ीसा में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें पूरे तरीके से 25 वर्षों के बीजेडी शासन के परिवर्तन को करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में बनने जा रही है। पहले चरण के जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सफलता और 28 विधानसभाओं में भी बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी हार से बौखला करके बीजेडी के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारे कार्यकर्ता को जीवन भी खोना पड़ा है। हम बीजेडी के इस कार्य की निंदा करते हैं और विशेष रूप से उड़िया संस्कृति अस्मिता और गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा वादा किया है। संबित जी ने विस्तार से आपको बताया है, कभी 1978 में तत्कालीन गवर्नर बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, 45 साल से जो चाबी थी वो 2018 में ही क्यों गायब हुई? ऐसे कौन लोग 2018 में प्रभावी होने शुरू हुए उड़ीसा की राजनीति में जिन्होंने चाबी को खोया? और ओरिजिनल खोई तो डुप्लीकेट कहाँ से बन गई? डुप्लीकेट बनाने का मैंडेट कहाँ से था? ये तो इनको जवाब देना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के ने इस अपने वक्तव्य में कहा है, भारतीय जनता पार्टी जगन्नाथ मंदिर की मर्यादा, प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक गौरव, अस्मिता, इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं कल से पुरी में जो प्रधानमंत्री जी की रथ यात्रा के उत्सव को जो देख रहा हूँ, चाहे हमारे पुरी के भगवान के सारे सेवक हों, नगरवासी हों, महिलाएं हों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हों, लगातार मैं सबसे मिल रहा हूँ और एक उत्सव और एक उत्साह की अनुभूति पा रहा हूँ। और निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उड़िया के विकास के जो लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। हमारी पार्टी ने पहले ही अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 3100 रुपये धान का मूल्य, 50,000 रुपया का जो कूपन देंगे, महिलाएं 2 वर्ष तक उसको पूरा खर्च कर सकेंगी, सुभद्रा योजना, बुनकरों के लिए विशेष योजना, जिस प्रकार किसान सम्मान निधि देते हैं वैसे ही बुनकर सम्मान निधि, मछुआरा सम्मान निधि, उड़ीसा में 4 टेक्सटाइल पार्क खोलना, 4 आईटी पार्क खोलना, और सबसे बड़ी बात है उड़िया संस्कृति के गौरव की बात में मैं आपको कहना चाहूँगा, हम अपने घोषणा पत्र में हमने कहा भी है कि भविष्य में उड़ीसा में लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी परीक्षाएं जो छात्र उड़िया में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट कॉलेज यहाँ पर खोले जाए। भाषा के विकास का, साइंस के साथ भी भाषा का विकास, कानून के साथ भी भाषा का विकास, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्राथमिकता देती है। और मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि चिल्का का तो हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पुल बनाने का 2020 में ही कर दिया था। ये तो यहाँ की प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया, हमारी सरकार बनेगी जो प्रदेश से सहयोग है वो पूरा करके चिल्का के पुल के काम को भी हम पूरा कराने का काम करेंगे। सर एक बात पूछना है, पिछले दिनों में बीजेपी सरकार ने हर कुछ मतलब हर चीज सेक्टर को समर्थन दे रहा है, इस बार इस साल इसी चुनाव में क्या हो गया? अभी दोनों अलग-अलग हो करेंगे। 25 सालों का जो कुशासन है और सबसे बड़ी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है,
कि 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उड़िया संस्कृति में पला बड़ा, उड़िया बेटा और बेटी ही उड़ीसा का नेतृत्व करे। उड़िया गौरव और संस्कृति हमें सबसे प्यारा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।